थोड़ा पीछे हट, पूरी बस इधर करो सर, इधर आ जाएगी थोड़ा सा इधर। आपको सब पता है कि राजस्थान में हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। सब इंस्पेक्टर का भी हुआ, जेईई का भी हुआ, रीट का भी हुआ, रीट का बड़े पैमाने पर हुआ और उसके प्रमाण भी एसओजी को मिल गए। उसके बावजूद भी एसओजी बत्ती लाल से आगे भी बढ़ी और इसके मुख्य सरगना जो खुद एसओजी ने पता किया था भजन लाल, आज तक नहीं पकड़ा गया, ना भवन लाल पकड़ा गया। और जो एक प्राइवेट व्यक्ति मिस्टर पारासर जो जयपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे, 33 जिलों में से एक ही प्राइवेट व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया, जो जारोली है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, उनके अभिन्न मित्र हैं। तो ये समझ से बाहर है कि 33 जिलों में 32 जगह तो एडीएम कोऑर्डिनेटर है, एक व्यक्ति को प्राइवेट आदमी को जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया, अभी पेपर लीक हो गया तो अकाउंटेबिलिटी किसी की है? तो मैंने अभी एडीजी साहब को यही कहा है कि आपने आज तक न तो जारोली से पूछताछ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, ना वो पारासर से बात की जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया गया जो प्राइवेट आदमी था, ना ही भवन लाल पकड़ा गया, ना ही भजन लाल पकड़ा गया। और एक घटना और करौली जिले में हुई थी, वहाँ रीट की परीक्षा के नाम पर 90 लाख रुपए 3 लोगों ने इकट्ठे किए, उसमें उस नोट बांटने के चक्कर में, आपस में बंटवारा करने के चक्कर में एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया, जिसकी FIR बालघाट थाने में दर्ज है करौली के में। इसी प्रकार से हिंडन में जो पेपर लीक हुआ, उसको वहाँ के परीक्षार्थियों ने ऑब्जेक्शन किया, पेपर खुला था, मार्कर से लिखा हुआ था हर पेपर पर, उसकी भी जांच होनी चाहिए, ये मैं इनको कह के आया हूँ। और इन्होंने आश्वस्त किया है कि आपने जो पॉइंट बना के दिए, करीबन 8 पॉइंट करा गया, इसलिए कुछ छात्र छात्राओं को लेकर मैं अभी एडीजी से मिला हूँ, एसओजी से। उनको मैंने कहा भंवरलाल कहाँ, भजनलाल कहाँ, और वो जी के माथुर को गोपनीय शाखा की जिम्मेदारी क्यों दे दी जो रिटायर हो गया, और एकमात्र व्यक्ति जयपुर को मिस्टर पारासर को, प्रदीप पारासर को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया, 33 जिलों में से एक ही डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्राइवेट है, बाकी सब जगह एडीएम। ये सारी बातें आप पहले बता चुके हैं, मुझे याद है मेरे स्मारक पर आप जब धरने पर बैठे थे, उसके बावजूद सरकार की तरफ से कुछ हुआ नहीं। अब इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम प्रदीप पारासर को इंट्रोगेट करेंगे, हम मेडिकल शिक्षा बोर्ड से भी पूछताछ करेंगे। और एक हत्या हो गई थी एक ऐसे दलाल की, पैसा इकट्ठे करते हुए हिंडौन में,
इसकी भी जांच करेंगे। मैंने 8 बिंदु लिख के दिए हैं इनको, अभी इन्होंने कहा हम और इनकी कार्रवाई कराते हैं, जांच अधिकारी को उन्होंने बुला लिया, हम जांच करवाएंगे और किसी प्रकार के दबाव में हम नहीं है, इस पर जांच होगी और अंतिम परिणाम तक पहुंचेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन हमको फिर भी भरोसा नहीं है, हम चाहते हैं इसकी सीबीआई जांच हो, परिणाम डिक्लेयर कर दिया वो अलग बात है, लेकिन राजस्थान में पेपर लीक होना एक परंपरा बन गई है, वो कैसे खत्म हो, दोषी जेल में जाए, ये तो कार्रवाई सरकार कम से कम करे। आप बता रहे हैं कि पेपर लीक मामले में पैसे के बंटवारों को लेकर हत्या भी हो, इस मामले में पुलिस ने कुछ अब तक जांच नहीं की है। कुछ नहीं, उसमें 90 लाख रुपए को लेकर मर्डर हो गया करौली जिले के बालघाट थाने में, जिसके एफआईआर में लेकर आया हूँ, तीन थे, दो ने मिलकर एक को मार दिया और दो ने 90 लाख रुपए रख लिए, पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ, वहां की पुलिस ने, मैंने कहा कि भाई आप एसओजी को सूचना दो, उन्होंने सूचना तक देना उचित समझा नहीं समझा, कुछ पुलिस ने ले लिए, कुछ गांव वालों ने इकट्ठे करके जिसका मर्डर हुआ इसको दे दिए, बाकी 90 लाख रुपए ये प्रमाणित है कि रीत परीक्षार्थियों से इकट्ठे। हर मांग, चाहे वो बाड़मेर में प्रजापति का एनकाउंटर केस हो या फिर अलवर वाला हो, इतनी तेजी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीबीआई को देते हैं जांच, और यहाँ पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, विकास जाकर झुंझुनू में बैठे हैं, आप लंबे समय तक धरने पर बैठे, बहुत सारे संगठन बैठे, मगर इसकी जांच नहीं दी जा रही है, क्या कोई पीछे कहानी हो सकती है? विकास जाखड़ केवल धरने पर नहीं बैठे, अपनी बहुत बड़ी नौकरी छोड़ के आ गए, उन्होंने समझा ये अन्याय हो रहा है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा आपके चैनल के जरिए, और मेरे को इसमें अब स्पष्ट हो गया है जो ढिलाई एसओजी बरत रही है कि इसमें सरकार की मिली भगत, ऊंचे किसी नेता की, ऊंचे अधिकारियों की, जिन्होंने अपने लोग फिट कर दिए और इन होनहार बच्चों का भविष्य लूट लिया, इसलिए इसको दबाया जा रहा है, इसीलिए हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं। और गहलोत साहब ने जब अलवर कांड में एक ही झटके में सीबीआई दे दी, वो प्रजापत के प्रकरण में दे दी, ये तो 26 लाख बच्चों के, बेरोजगार बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसको सीबीआई क्यों नहीं देते, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। बच्चों से बातचीत करेंगे, आप कौन से एग्जाम में बैठे हुए? एसआई में तो जिस तरह से परीक्षा केंद्र के अंदर से पेपर बाहर आया था, कुछ हुआ उस मामले में, आप लोगों को लगता है कि आउट हुआ है? कोई जांच हो पाई है? जांच बिल्कुल नहीं, हम चाहते हैं कि जांच हो। आप किस परीक्षा में बैठे थे? रीट लेवल टू में। रीट का परिणाम जारी हो गया, आप लोग लंबे समय तक आंदोलन किए, इसके बावजूद कोई जांच हुई नहीं अभी तक? कोई जांच नहीं हुई है, बहुत ज्यादा कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई जाती है, और जिन लोगों का, जो लोग पढ़ते हैं बच्चे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि जब पेपर आउट होगा तो उन्हीं को होगा सिलेक्शन, तो जिन लोगों के ज्यादा नंबर आएंगे पेपर लेकर, तो उनको जांच करनी चाहिए। और नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, जैसे कि बाबा बता रहे, बहुत सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, तो मर्डर तक हो रहा है, तो फिर बहुत बड़ी बात है, तो उसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से जांच चली आ रही है, उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी कोई फायदा होने वाला भी नहीं है। वैसे भी हर केस की तरह ये केस भी दब जाएगा और फिर इसका भी रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, तो होगा कुछ और ही, तभी होगा जब सीबीआई जांच होगी। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो इसके मामले में, तो तह तक जाए कि क्या, कौन है इसके पीछे, जो बड़े लोग हैं जो भी, तो उनका पता चले, उनका नाम सामने आए, जिससे कि हमेशा के लिए मुद्दा शांत हो जाए और फिर हम भी आगे की तैयारी करें। आगे हम लोग ही सोचते हैं कि आगे एग्जाम देंगे तो आगे के एग्जाम्स में भी ये होने वाला है, फिर हम तैयारी करें तो कैसे करें, फिर हम धरने दें या फिर हम तैयारी करें। आप लोग मिले आज एडीजी हैं अशोक राठौर एसओजी के, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम करेंगे इसके मामले में जांच पड़ताल करेंगे, जो भी पॉइंट्स आप बता रहे हो उनके ऊपर हम ध्यान देंगे, और जो भी मर्डर हुआ है उसके बारे में जांच पड़ताल करेंगे, पूछताछ करेंगे, ये बोला है उन्होंने, आश्वासन तो दिया। आप किस रीट से हैं, क्या लगता है आप लोगों को? अब इनके हिसाब से तो यही है कि बोल रहे हैं कि जांच करेंगे, हम अपने लेवल पर कर रहे हैं, पर प्रमाण तो उसके जारी कर दिए हैं, आगामी दिनों में ज्वाइनिंग दे देंगे, कुछ नहीं होगा, इसको लेकर यही हुआ था। उसके बाद ये रीट थी 25,000 वैकेंसियों का, अब इन्होंने 20,000 और प्रलोभन में बच्चों को लिए यही दे दिए, 20,000 का और वैकेंसी अनाउंस कर दी, तो आगामी एग्जाम में ऐसा ही होता आ रहा है और ऐसा ही होगा, कोई आश्वासन नहीं है। आप लोगों को लगता है पेपर आउट हुआ है? हाँ, पेपर आउट हुआ है, और सर ये कि आगे दोबारा से रीट की पेपर वो निकाल दिए, भर दिया, फिर से यही होगा, मतलब पेपर देगा।